just a second. स्मॉल स्मॉल ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग किया एंड स्ट्रॉन्ग से शट किया, तो ये भी हमारा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये पेज एंड ये पेज ऑलमोस्ट ठीक ठाक है बट नॉट सेम। ठीक है, अगर हमें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आपको गैप देना है HTML और DHTML और इस कंटेंट के बीच में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको गैप चाहिए ये HTML और इसके बीच में, तो कुछ करना नहीं है, आपने BR दे देने का ब्रेक, तो एक बाय डिफॉल्ट एक वो गैप ले लेगा उसमें। BR करके तो इट विल टेक अ गैप। अभी देखो यहाँ पे गैप नहीं है, लेट्स सी, गैप आ गया अपने आप। सो यू कैन डू इन दिस वे। ठीक है, सो दिस वेब पेज एंड दिस वेब पेज इज समवट ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इन दिस वे यू कैन डिजाइन, यू कैन प्ले विद दिस। अभी ये है, अभी HTML में जो 60 to 70% जो कोड्स थे वो इसमें आपके हो जाते हैं। इसके अलावा जो HTML फॉर्म्स है वो इसमें कवर नहीं हुआ है आपका, एंड HTML फॉर्म्स के अलावा और भी दो तीन चीजें हैं जो कि इसके अंदर आपकी क्लियर नहीं हुई है, जैसे कि इमेज को इंसर्ट कैसे करने का, वो भी HTML में पॉसिबल है। बाद में सर्च बार डालना है, स्पेशल कैरेक्टर डालने हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि अगर हम लोग टैग में यूज करते हैं लेस देन ग्रेटर देन, तो अगर मुझे लेस देन ग्रेटर देन ही लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक अलग से कुछ वो है कीवर्ड्स है उसके थ्रू वो आता है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। बट उससे पहले जो डाउट था HR वाला, वो हम लोग एक बार करके देखते हैं HR को, अगर वो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे सो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो हमारा ये जो HR है यहाँ पे है, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, बट वहां फॉन्ट तो लिखा नहीं है हम लोगों ने, अगर मैं इसको बोल्ड दू तो लेगा क्या, देखते हैं, ट्राई करते हैं। नीचे वाले को दिया है मैंने, नहीं ले रहा है क्योंकि कलर जो होता है, कलर कमांड जो है वो कलर कोड के लिए लेता है, इसको नहीं ले रहा है वो। दूसरी चीज, यहाँ पे वो कलर को इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि कलर जो होता है वो फॉन्ट के लिए होता है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टाइल कलर दिया तो उसके लिए वो नहीं लेगा, वो नहीं ले रहा है वो। ठीक है, बिकॉज कलर इज स्पेसिफिकली फॉर फॉन्ट। बोल्ड करके देखा मैंने, नहीं ले रहा है, सेमी बोल्ड करके देखते एक बार। सेमी बोल्ड से आ रहा है क्या कुछ, नहीं हो रहा कुछ भी। सो CSS, इन CSS इट इज पॉसिबल, बट इन HTML एज पर माई नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर नोइंग दैट देन लेट मी नो, अगर आपको मालूम है तो बताओ मुझे। सो दिस इज वन थिंग। नाउ अगर मुझे सपोज स्पेशल कैरेक्टर डालना है, ये भी मालूम होगा आपको बट मैं बता देता हूं, अभी जैसे कि सपोज तो यहां पे जो है मुझे लेस देन लिखना है, तो इस केस में शायद से आ भी जाएगा, लेट्स सी आ रहा है क्या।
स्पेशल करके मैंने सेव किया हुआ है उसको। शायद से ले भी लेगा वो। आ गया है। बट होता क्या है कि अगर हम लोग फाइल को कीवर्ड से सेव करते हैं तो समटाइम वो रन भी होता है नहीं भी होता है। तो जो चीज हम लोग ऑलरेडी टैग में यूज कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव ऐसा है कि अगर आपको लेस ग्रेटर देन का अगर साइन चाहिए, सपोज मुझे ये वाला साइन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एंड जीटी सेमीकोलन। अगर मैंने ये किया तो ग्रेटर देन का साइन दिखाएगा। अभी यहाँ पे लेस देन है ना, ग्रेटर देन का साइन आ गया इसके ऊपर। वैसे ही अगर आपको एंड चाहिए तो क्या करेंगे, AMP। ये अगर मैंने किया तो क्या आया, एंड का जो सिंबल होता है वो आ जाता है। एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एक टैब का गैप चाहिए, टैब देना है, सपोज जो हम लोगों ने अभी आउटपुट चेक किया इसके अंदर सेशन वन के अंदर, मान लो वेलकम टू टेक फिनिक्स, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो टू एंड टेक फिनिक्स के बीच में मुझे ज्यादा गैप चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो टैब देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई गेस बोरिंग होते जा रहा है, बट इट्स वन वे कम्युनिकेशन, इट्स लॉन्गर, सो दैट्स व्हाई। बट तो एक टैब का गैप देने के लिए आपको एंड एन बी एस पी ये देना पड़ता है, और ये आपको दो तीन बार दोगे, दो बार दोगे तब जाके एक टैब का आपको गैप आएगा, दो या तीन बार देना पड़ेगा तब जाके वो एक टैब का गैप आता है उसके अंदर। मैंने सपोज तीन बार दिया, तो अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे गैप आ गया बीच में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो इसको फिलहाल के लिए हमें वो चाहिए नहीं, तो हम लोगों ने इसको हटा लिया है। दिस इज द वेब पेज। अभी मैंने असाइनमेंट वन दिया था, अभी मैं असाइनमेंट टू आज फ्लोट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। अगेन वील कम बैक टू द प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट 5 मिनट, आई विल फिनिश। So, we have seen basic codes of HTML. Assignment 1 भी solve किया, अभी assignment 2 में homework दूंगा। This is my YouTube channel. So, I'll request you to, I hope you have subscribed it already. But if you have not done, then do subscribe. मेरा Facebook का भी link जो है उसका digital marketing करके मैंने उसको रखा हुआ है, आप उसको भी देखो एक बार। And this is my YouTube channel link. I request if you like this session, kindly put this YouTube channel on your status. It will be a great help for me, so that other will also get benefited with that. And next thing which I am going to show you is something different. What is this? I'll tell you like. क्या होता है? Vatsal is there? Vatsal? Hello? Vatsal has left. Okay. Kanchan. Kanchan, Pooja and Ritu, see, क्या होता है कि कोई भी चीज जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपको, तो उसमें इश्यू क्या होते हैं कि आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इस कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स करके मैंने इसलिए रखा था कि लोग देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो मुझे दो तीन लोगों का इस पे रिस्पांस आया है, असाइनमेंट भी उन्होंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसके उन्होंने खुद से किए देखे हैं। बट अगर अभी मैंने लाइव सेशन लिया है तो कोई भी नहीं आया। लाइव सेशन का मुझे प्रेशर होना चाहिए, जबकि जो कंटेस्टेंट होते, पार्टिसिपेंट्स होते, उनको प्रेशर आ रहा है अटेंड करने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ये नया चीज लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ कि ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग है, स्टैटिक वेबसाइट डिजाइनिंग, अगर मैंने 1-1.5 घंटे में एक्सप्लेन किया तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। मैं मॉड्यूल वाइज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहला मॉड्यूल मैंने स्टार्ट किया है अलग से HTML के ऊपर, और ये कोर्स मैंने 10 दिन का रखा हुआ है। इस कोर्स को मैंने 5 अगस्त से स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसको मैं गूगल क्लासरूम पे स्टार्ट करूंगा। गूगल क्लासरूम पे स्टार्ट करके और डेली 5 अगस्त से मैं दोपहर को 2 से 3 या 3 से 4, जो भी आपको टाइम फिजिबल है, उस टाइम में मैं आपको ये सेशन
लेने वाला हूँ, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसकी फीस रखी हुई है 150 रुपीज, ताकि यू विल बी सीरियस। 150 से कुछ होगा नहीं 10 डेज के लिए, अगर एक बच्चे का मैं लेता हूँ तो। मेरे को ऑलरेडी 4 बच्चों ने पेमेंट कर चुके हैं, एक बैच में मैं मैक्सिमम 5 बच्चों को रखने वाला हूँ। इसमें मैं डेली आपको बताऊंगा एक एक चीज, और इसके अंदर मैं नोट्स भी देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। इट विल बी ऑन गूगल क्लासरूम, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, असाइनमेंट विल बी सॉल्वड, ओनली 5 स्टूडेंट्स इन 1 सेशन, सो यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन दैट 150 रुपीज, एंड इन 10 डेज मैक्सिमम, बहुत हो गया 10 डेज, यू विल बी इन द पोजिशन टू डिजाइन एनी वेब पेज विद द HTML, क्योंकि अगर आपको आगे CSS सीखना है तो CSS के लिए HTML आना ही चाहिए आपको। तो उसमें मेरे को एक बैच में 5 बच्चे चाहिए, एक बैच में मेरे को 4 मिल चुके हैं, अगर उससे ज्यादा बढ़ते हैं तो मैं बैच स्प्लिट भी कर सकता हूँ, मैं 2 बैच में रख लूंगा मैं उनका। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ इसका चैट के ऊपर, अगर इफ यू लाइक यू कैन रजिस्टर। पेमेंट का भी बताया कैसे करना है आपको, डिटेल्स जो है गूगल क्लासरूम का आपको आपके मेल पे आ जाएगा 3 अगस्त तक में, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, if you have any doubt you can come. Why I have kept the fees is because they will take seriously, aur jo interested hai wahi aayenge iske andar. Last 1.5 minutes bache hue, agar aapko kuch doubts hai so you can ask. आई गेस कभी भी सेशन का एंडिंग हो सकता है, सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, बी सेफ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ मास्क, वॉश योर हैंड, यूज सैनिटाइजर, स्टे एट होम एंड एंजॉय योर लाइफ। फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू अटेंड स्टार्ट विद द लेक्चर्स ऑल्सो फॉर 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स this semester for you, means this semester for 3rd year. Okay.